हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी सावन का महीना चल रहा है और काफ़ी लोग सावन के महीने में मालपुए खाने पसंद करते हैं, तो आज मैं आपके साथ मालपुए की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हम सूजी से बनाएंगे। मालपुआ बनाने के लिए हमने 200 ग्राम सूजी ली है, आधी कटोरी मलाई, पिसी हुई चीनी, कटे हुए बादाम, सौंफ का पाउडर, इलायची पाउडर और एक गिलास दूध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में अपनी 200 ग्राम सूजी डाल देते हैं। इसमें हम अपनी मलाई ऐड कर देते हैं। चार चम्मच हम इसमें अपनी चीनी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर और बाकी इलायची पाउडर हम रख देते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे। थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। हमने इसमें पिसी हुई सूजी ली है, अगर आपके पास घर में मोटी सूजी हो तो आप उसे मिक्सर में पीस लें, क्योंकि हमें उसका बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। अभी हमारा बैटर स्मूथ हो गया है, ये देखिए। अब हम इसे बैटर को 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं और ये हमने इतना दूध बचा लिया है, इसको हम थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, क्योंकि सूजी दूध सोख लेती है और वो बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा दूध डालकर उसे दोबारा थोड़ा सा पतला करेंगे। हमने सूजी को 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया है, तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में हम 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। ये हमने 1.5 कप चीनी में 1.5 कप पानी डाल दिया और चाशनी बनाने के लिए रख दिया। इसकी हम एक तार वाली चाशनी बना लेंगे। तो हमारी चाशनी में उबाल आ गया, इसमें हम अपनी इलायची का और सौंफ का पाउडर जो हमने बचाया था वो इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया ताकि हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रहे, ये ज्यादा जमे ना। अभी हमारी चाशनी बनकर एकदम तैयार हो गई है, ये देखिए थोड़ी चिपचिपी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो गए, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर काफी गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें अपना दूध डालकर इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे हिलाते रहेंगे और इसका पतला बैटर बना लेंगे। अभी हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो गया है, हमें सिर्फ इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए इसका, और ये हमारा इतना दूध बच गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक पैन में घी गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें हम अपने मालपुए बनाएंगे। मालपुए जो हैं वो घी में ही बनाए जाते हैं, आप चाहे तो वनस्पति घी ले सकते हैं या देसी घी ले सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा गरम कर लेते हैं। अब घी हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें अपने मालपुए बना लेंगे। इसमें हम बैटर एक जगह ही डालेंगे और ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, ये अपनी शेप अपने आप ले लेगा और ये ऊपर आ जाएगा, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए ये अपने आप ऊपर आ गया, अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से प्रेस कर इसका एक्स्ट्रा घी निकाल देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। इसे हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। अभी हमने सारे मालपुए बना लिए हैं, अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी आपकी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा ठंडी हो गई है तो आप उसे दोबारा थोड़ी सी गर्म कर लें। अब हम सारे मालपुए इसमें डाल देंगे। चाशनी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें चाशनी में थोड़ी देर इसे ढककर रख देंगे। इसे हम 10-15 मिनट के लिए चाशनी में डुबाकर रख देंगे ताकि मालपुए में चाशनी की मिठास अच्छे से चली जाए। अब ये मालपुए को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इन्हें सर्व करने के लिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हमने प्लेट में निकाल लिए, अब हम इसे सजाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा बादाम डाल देते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर कोकोनट डाल देते हैं। अब ऊपर से थोड़ी सी चाशनी डाल देते हैं। अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।